अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ अरबाब नियाज की स्टेडियम की बहुत ही स्पेशल अपडेट्स शेयर करने वाला हूं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि मैं ऐसे अपडेट्स और वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो व्यूअर, सबसे बड़े अपडेट की बात करते हैं स्टेडियम के, और स्टेडियम में जो है ग्रास इंस्टॉलेशन स्टार्ट होने वाली है। ये जो पाइप आप देख रहे हैं और ग्राउंडिंग लेवलिंग भी देख रहे हैं दोस्तों, तो जैसे ही ग्राउंड लेवलिंग हो जाएगी तो ये जो पाइप आप लोग देख रहे हैं इसके ज़रिए फिर जो ग्रास इंस्टॉल हो जाएंगे स्टेडियम में, तो इस पाइप के ज़रिए उस ग्रास को जो है वो पानी दी जाएगी, और ये जो पूरा जो पानी का जो सिस्टम होगा ग्रास के लिए वो अभी जो पाइप है वो बिछाया जा रहा है पूरी स्टेडियम में। तो दोस्तों, जैसे ही ग्राउंडिंग की जो लेवलिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो है ग्रास की जो इंस्टॉलेशन है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, और इस तरीके से जो पूरी स्टेडियम में जो है ग्राउंड में जो है वो ये पाइप बिछाया जा रहा है। व्यूअर्स, अगले अपडेट की बात करते हैं, और ये फाइनल स्टैंड के मुतालिक है। फाइनल स्टैंड पर जैसे आप लोग देख सकते हैं दो ट्रसेस लग गए हैं, और बाकी जो ट्रसेस है वो उस पर अभी काम स्टार्ट है। तो जैसे जो ट्रसेस है वो कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर यहाँ पर जो है वो ऊपर लेकर आके यहाँ पर लगाए जाएंगे। अभी चूँकि रमज़ान है तो काम थोड़ा सा स्लो हो गया है, लेकिन फिर भी जो है वो ट्रसेस वगैरह पर काम किया जाता है, और तकरीबन छोटा जो ट्रस है वो भी रेडी हो गया है और उसको भी कलर किया गया है। तो अभी ऊपर दो कलर्स जो ट्रसेस है वो लगाई दी गई है, और अभी नीचे जो है वो दो ट्रसेस कलर पड़े हुए हैं। अगली अपडेट हमारे साथ फाइनल स्टैंड की करीब वाला जो स्टैंड है उसकी है, उस पर जो है रूपिंग का काम स्टार्ट है, लेकिन अभी तक जो है वो 10 ट्रसेस पे जो है वो रूपिंग का काम कंप्लीट हो गया है, और तकरीबन जो है वो 5 ट्रसेस अभी रह रहे, उस पर भी बहुत जल्द जो रूपिंग का काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगले अपडेट की बात करते हैं, और ये वीआईपी स्टैंड के सामने आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, जो फुटपाथ है जो स्टेडियम की इर्द गिर्द जो फुटपाथ बनाया जाता है, ग्राउंड की इर्द गिर्द जो फुटपाथ बनाया जाता है वो स्टेडियम के लेफ्ट साइड पे जो है वहाँ पे बनाया गया है, लेकिन अभी जो पवेलियन और वीआईपी स्टैंड के इर्द गिर्द है वो अभी तक नहीं बनाया गया था, लेकिन इस पर भी काम स्टार्ट हो गया है, और इसके लिए भी जो है वो रास्ता जो है वो बनाने की जो कोशिश है वो जारी है, और इस तरीके से बहुत जल्द जो है जो फुटपाथ का काम है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जो आजकल की जो अपडेट्स है वो ज़्यादातर ग्राउंडिंग लेवलिंग की है, और अभी तक की जो स्पेशल अपडेट थी वो ये है कि ग्रासेस इंस्टॉलेशन भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, और इस तरीके से जो ग्राउंड का जो पूरा काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं ऊपर जाता हूँ स्टेयर से, और आप लोगों को ऊपर से भी दिखाता हूँ कि ऊपर से हमारे साथ जो ग्राउंड का जो व्यू है वो किस तरह है, और ऊपर क्या काम बाकी रह रहे, और नीचे जो है वो क्या काम कंप्लीट हो गई है। तो मैं स्टेयर से ऊपर जा रहा हूँ और आप लोगों को अभी दिखाऊंगा ऊपर से कि ऊपर से स्टेडियम किस तरीके से दिखता है। ये हमारे साथ जिमखाना जो क्रिकेट एकेडमी है ये उसके लुक है, क्योंकि अभी आजकल रमज़ान चल रहा है तो दोपहर का टाइम है, और इस टाइम लोग बहुत कम होते हैं, प्लेयर्स बहुत कम आते हैं जिमखाना क्रिकेट जो एकेडमी है उसमें। अभी मैं ऊपर आ गया, ये ऊपर वाला स्टैंड है अरबाब नियाज के स्टेडियम का, और आप लोग स्टेडियम का जो व्यू है वो देख सकते हैं। तकरीबन आधे से ज़्यादा जो स्टेडियम में है वो ग्राउंडिंग लेवलिंग हो गई है, और इस तरीके से जो बाकी भी जो थोड़ा सा जगह रह रहा है आप लोग देख सकते हैं जो पवेलियन के सामने, क्योंकि वहाँ पर फाइनल स्टैंड और पवेलियन पे जो है वो काम हो रहा है। तो जैसे वहाँ पर काम कंप्लीट किया जाएगा तो फिर ये जो ग्राउंडिंग लेवलिंग है ये पूरी स्टेडियम की कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ से आप लोग एक स्पेशल इंफॉर्मेशन देता चलो कि अभी मैं दोपहर में यहाँ पे मौजूद हूँ, और आप लोग देख सकते हैं जो ट्रसेस का जो रूपिंग का साया है ये तकरीबन जो है इसी साइड पर जो है ये तो साया है, लेकिन सामने वाले आप स्टैंड देख सकते हैं वहाँ पर बिल्कुल धूप है, बहुत बिल्कुल तेज़ धूप है, तो वहाँ पे जो ट्रसेस अभी लगी हुई है उसका साया है, लेकिन इतना नहीं है। तो ख्याल रखिएगा, अगर जब आप लोग टिकट लेने आएंगे यहाँ पर तो कोशिश कीजिएगा कि दोपहर का टाइम अगर मैच होगा तो आप लोग जो राइट साइड की तरफ जो स्टैंड है उसका टिकट लेंगे। तो दोस्तों, ये तो थी आज की हमारी अपडेट, बहुत स्पेशल अपडेट थी। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।
है।